हेलो फ्रेंड्स, संतोषी माँ की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर परांठे। ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। ये कुछ हरा धनिया मैंने धो के लिया है, एक मीडियम साइज का प्याज, 5 और 6 मैंने हरी मिर्च ली हैं। अब हम इसको पहले हम इसको प्याज को काटेंगे। ये देखिए, हम प्याज के पतले पतले पीस करेंगे। ये देखिए, मैंने प्याज को काट लिया है। आप चाहे तो हाथ से भी काट सकते हैं इसको बारीक बारीक, लेकिन मैंने अमीराज का चॉपर यूज कर रही हूँ। इसमें हम प्याज काटेंगे। मैं अमीराज का ये चॉपर यूज कर रही हूँ कि इसमें बराबर पीस कटते हैं, काटने में दिक्कत नहीं होती। मैंने अमीराज का चॉपर का रिव्यू की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप प्लीज देख सकते हो। अब मैं इसको बंद करके ऐसे दबा रही हूँ। ये देखिए, हम एक एक करके ऐसे ये सारे प्याज काट लेंगे। अब हम ऐसे ही हरी मिर्ची को भी काट देंगे। इसी के अंदर हम ये धनिया भी काट लेंगे। ये हमारा धनिया भी काट दिया। अब हम इसको हटा रहे हैं। ये देखिए, धनिया, प्याज, हरी मिर्च एक ही साइज में कटे हैं। ये देखिए फ्रेंड, हम पनीर को कद्दूकस करेंगे। आप चाहे तो हाथ से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। कद्दूकस कर रही हूँ। ये देखिए, हमारा पनीर कद्दूकस हो गया। अब हम इसमें जो हमने प्याज, हरी मिर्च और धनिया काटा था, इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। ये नमक स्वाद अनुसार। लाल मिर्च जितना आप तीखा खाते हैं। ये गरम मसाला, ये थोड़ा सा जीरा भुना हुआ, ये हमारा मसाला इसमें लगे। अब हम इसको हाथ से मिक्स करेंगे। ये हमने इसको देखें अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये मैंने 10 मिनट पहले आटा लगा के रख दिया है। आटा हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब हम परांठा बनाने जा रहे हैं। गैस पर हमने तवा रख दिया है, तब तक ये गर्म होगा, तब तक हम लोई बनाएंगे। अब हम रोटी को बेल लेते हैं। मैं इस रोटी के ऊपर मक्खन लगा रही हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड भी लगा सकते हैं। अब हम पनीर का ये मसाला जो बनाया वो मसाला डालेंगे। हम इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे और इसको फिर दोबारा रोटी बेलेंगे। ये देखिए दो, अब हम रोटी बेलेंगे। हल्के हल्के हाथ से बेलन को बेलिए।
कई बार आपका आटा चिपकता है तो आप थोड़ा सा ऐसे सूखा आटा करके भी रोटी को बेल सकते हैं। ये देखिए, हमारा तवा गर्म हो गया है, अब हम उस पर डालेंगे। ये हमने तवे पर डाल दिया है, अब एक साइड हमारा इसी के, अब हम इसको पलटी करेंगे। ये देखिए हमने पलटी कर दिया है, अब हम इसके ऊपर मक्खन लगाएंगे। दूसरी तरफ फिर पलटी करते हैं, इस साइड भी हम घी लगा लेते हैं। इसको भी इस साइड और सेक लेते हैं, इसको पलटी करके। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारा परांठा बनने में। ये हमारा परांठा बनके तैयार हो गया है, हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। ये हमारे परांठे तैयार हो गए हैं, हम ऐसे एक एक करके सारे बना लेंगे। अब हम इसके ऊपर बटर डालेंगे। ये हमारा परांठा तैयार हो गया है, ये मैंने बटर भी डाल दिया।